अगर एक गरीब आदमी को पेट भर के अगर भोजन मिल जाए तो उसकी बहुत सारी समस्याएं तो खत्म ही हो जाती हैं। ये देखिए गाइस, ये हैं इनके चावल एंड कंजूसी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। सेवा में पीछे नहीं रहना चाहिए। नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। ये लीजिए, तो ये देखिए दोस्तों, एंड अब आगे जाते हैं हम। आगे जो है वेजिटेबल दाल है, वेजिटेबल वाली दाल। ये देखिए आंटी, एक बार चला के दिखाएंगे। ये देखिए गाइस, वेजिटेबल वाली दाल है। धनिया वनिया बिल्कुल बढ़िया तरीके से गिरा हुआ है इस पर, आप देख सकते हैं। ये वेजिटेबल दाल, और आगे दूसरी सब्जी है आलू बैंगन की सब्जी है। तो ये सब सुबह फ्रेश ही बनाते हो? सब कुछ सुबह ही फ्रेश बनता है, आप देख सकते हैं भाई। ये है आलू बैंगन वाली सब्जी, एंड इधर आ गया है मिर्ची का अचार भी दिया जाता है यहाँ पर। मिर्ची का अचार भी यही बनाते हैं। अच्छा, खुद ही बनाते हो? नहीं बनता है। ओके, मिर्ची का अचार भी खुद ही बनाते हैं। एंड ये है तंदूरी रोटी दी जाती है साथ में। कितनी रोटी देते हो? दो रोटी देते हैं। इधर ये देखिए, गर्मा गर्म तंदूरी रोटी लगनी, तो लोहिया बनी जा रही है। एंड यहाँ जो है हमारे तंदूर से जो है निकल रही है भाई गर्मा गर्म तंदूरी रोटी, ये देख सकते हैं। दो रोटी देते हैं स्टार्टिंग में, और उसके बाद इच्छा अनुसार जितनी भूख हो उस हिसाब से ले सकते हो आप। ये देखिए भाई, तो ये देखो इन्होंने भाई चॉकलेट वगैरह और चिप्स वगैरह लगा रखे हैं, लेकिन जैसे बच्चों के लिए। तो चलिए अंकल जी, हम भी टेस्ट करते हैं, लाइन में लगते हैं भाई खाना खाने के लिए। ये आ गए गाइस हमारे चावल, ये देख सकते हैं। मैंने थोड़े कम ही डलवाए हैं, बिकॉज मैं को जो है टेस्टिंग ही करके दिखाना है आपको कि फूड कैसा है, तो मैंने कम ही डलवाया। बाकी ये कम फूड, इतना कम नहीं देते हैं। अभी आपने देख ही लिया होगा, ये आ गई हमारी दाल, और ये आ गई भाई हमारी ये आलू को भी बैंगन आलू, और ये आ गई गाइस हमारी मिर्च वाला अचार। हाँ, एक रोटी देना बस, और ये आ गई गाइस हमारी तंदूरी रोटी। तो चलिए टेस्ट करते हैं और बताता हूँ कैसी है टेस्ट में। तो ये देखिए दोस्तों, भाई आ चुका है मेरा खाना। चलिए मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कैसी है टेस्ट में। ये ले लिया बाइट मैंने। टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा मसालेदार, ना ज़्यादा कच्चा भी नहीं, और ना ज़्यादा फीका। सदर बाज़ार गवर्नमेंट स्कूल के पास में, गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल के पास में, अपोजिट पूजा कॉस्मेटिक्स। एंड वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए यूनिक कंटेंट लाते रहते हैं। लिटरली गाइस, टेस्ट काफ़ी सही है। एंड ज़रूरतमंद जिनको डोनेट करने की कोशिश है, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं आप इन पर। जैन सन्स के बिल्कुल अपोजिट में पड़ता है दूध फूड बैंक। तो चलिए भैया से बात करते हैं, पूछते हैं कि कैसे उन्होंने इसकी पहल करी थी। लाइक मात्र 5 रुपये में भैया भोजन सर्व करते हैं लोगों को। तो क्या नाम है भैया? मेरा नाम पंकज गुप्ता है। अच्छा अच्छा, तो ये सब ये 5 रुपये में भोजन देना आपने ही स्टार्ट करा था? मेरा तो सिर्फ एक मेरी तो एक पहल थी, बाकी तो शुरुआत तो भगवान जी की तरफ से ही हुई थी। भगवान देते हैं, हम कौन हैं देने वाले। क्या होता है कि समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं कि जो जिनके पास बहुत कुछ होता है, एक होता है जिनके पास कुछ बहुत थोड़ा कम होता है। तो इस दुनिया में ज़्यादातर समस्याएँ जो हैं वो पेट से जुड़ी हुई हैं। अगर एक गरीब आदमी को पेट भर के अगर भोजन मिल जाए तो उसकी बहुत सारी समस्याएं तो ख़त्म ही हो जाती हैं। तो जैसे भी इसका संकल्प हुआ, जैसे भी भगवान जी ने इसको इस मेरे मन में संकल्प डाला, या जो भी कुछ है, एक वो करने वाले तो वो हैं, संकल्प किसी को भी दे देते हैं। और ये आज से लगभग 3 साल पहले, और 14 अप्रैल 2018 में इसकी शुरुआत हुई है। कि देवदूत फूड बैंक एक कम्युनिटी किचन है, लोगों के सहयोग से चलती है। लोग हमें सहयोग करते हैं, लोग हमें कच्चा राशन या बाकी जो भी मदद है इस तरह की वो हमें करते हैं, और हम इसे तैयार करके लोगों तक ही पहुंचाते हैं। तो करने वाले भगवान हैं, करवाने वाले भगवान हैं, माध्यम किसी को भी बना देते हैं, चाहे मैं हूँ या और किसी को भी। बहुत सही, बहुत सही। 3 साल से चल रहा है। इस समय इसमें लगभग 800 से 1000 लोग खाना खाते हैं। अच्छा, दिन के 800 से 1000 लोग खा लेते हैं खाना। ओके। और अभी तो ये 2 जगह चल रहा है, एक गुड़गांव में, यहाँ सदर बाज़ार में, एक कादीपुर में। ऐसे कुछ बुज़ुर्ग हैं, ऐसे कुछ वृद्ध हैं, विकलांग हैं, जो जिनके बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं तो दूर रहते हैं, और अगर बच्चे हैं पास में रहते हैं लेकिन वो सेवा नहीं करते हैं, तो उनके लिए देवदूत टिफिन सेवा शुरू की है। अच्छा, टिफिन सेवा भी सर शुरू कर दी है। हाँ। और अगर दोस्तों किसी को जुड़ना हो इनके साथ हो, तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। हाँ हाँ, मेरा नंबर है 9212444263। 9212
1244442 63 ये नंबर है, और लोग हमसे किसी भी तरह से जुड़ सकते हैं।